हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा चैनल नो योर कार में स्वागत है एक बार फिर से। तो चलिए, आज मैं आपको ड्राइविंग सिखाता हूँ। गाड़ी चलाना कौन नहीं सीखना चाहता है, तो चलिए सीखते हैं हम भी कैसे गाड़ी चलाते हैं, क्या करते हैं। मैं भी ज़्यादा एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं हूँ, फिर भी जितना जानता हूँ आपको उतना बताना चाहता हूँ। तो चलिए देखिए, ये आपको जो दिख रहा है ये क्लॉच है, ये ब्रेक है और ये एक्सलेटर है। ये तीनों के ऊपर ही पूरा टोटल गाड़ी डिपेंड करता है। और ये स्टीयरिंग है। ओके, ये तीन चार चीज के ऊपर ही टोटल गाड़ी चलाना आपको डिपेंड करेगा। और एक चीज है जो है ये गियर लीवर। ओके, तो फर्स्ट आपको एक चीज कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले। जब आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो बैठेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा बहुत आगे पीछे जो होना है आप अपने हिसाब से। जैसे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा नी जो है यहीं तक आ रहा है और पेडल सही में लग रहा है, पाँव सही में पहुंच रहा है। अगर मेरा हाइट थोड़ा ज्यादा है इसीलिए मैं थोड़ा पीछे से भी उसको मेरा पांव वहां तक पहुंच रहा है। तो अगर आपका हाइट के हिसाब से, आपका बैठने का तरीका के हिसाब से, आप अगर थोड़ा आगे बैठना चाहते हैं या थोड़ा पीछे बैठना चाहते हैं, आपके हिसाब से आप पहले सीट को, ड्राइविंग सीट को आगे पीछे करके एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद सेकेंड जो होता है ये स्टीयरिंग व्हील को भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए। मतलब आगे पीछे तो नहीं होगा, ऊपर नीचे करके उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ ऐसे करके आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो मैं ऊपर ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे उसका नीचे है, ऊपर नीचे करने के लिए उसको अगर नीचे दबा के अब उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उसको मैं ऊपर ही रहने दूंगा। मेरे हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर लिए, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इग्निशन फील्ड ऑन कर दीजिए। देखिए, मेरा इग्निशन ऑफ है, अभी मैं उसको ऑन किया। ओके, ऑन हो गया इग्निशन। फिर आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि आपका गाड़ी गियर पे है कि न्यूट्रल पे है। उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गियर को थोड़ा, लीवर को थोड़ा हिलाइए, इधर उधर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी गियर पे है कि नहीं है। अभी ये न्यूट्रल पे है। देखिए, अगर गियर पे होगा तो वो इतना ज्यादा हिलेगा नहीं, एक ही जगह पे कंस्टेंट रहेगा। तो उसको न्यूट्रल पे लाइए, अगर गियर पे होगा तो उसको न्यूट्रल पे लाइए, न्यूट्रल पे रखिए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि हैंड ब्रेक, तब तक आप मेरा अगर सजेशन आप मानेंगे तो हैंड ब्रेक को आप लगा करके ही रखिए। तो फिर इग्निशन हम स्टार्ट हो गया। देखिए, मेरा गाड़ी अभी स्टार्ट हो गया। तो जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि गियर न्यूट्रल में है तो आपको ये जो है, देखिए पास से दिखाता हूं आपको, ये जो है क्लच को पूरा दबाइए। कुछ लोग क्या होता है कि हल्का दबाते हैं, हल्का नहीं दबाना है, पूरा फुल दबाना है। पूरा दबाया, फिर देखिए दोस्तों, ये जो गियर है उसका एक ट्यूटोरियल, मेरा और भी एक ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको पूरा डिस्क्राइब से बताया हूँ कि कैसे पूरा गियर लीवर को कंट्रोल किया जाए, कैसे मतलब गियर शिफ्ट किया जाए, वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट गियर यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहां पर फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और रिवर्स है। तो फर्स्ट गियर बिल्कुल यहीं पे है, मतलब लेफ्ट टॉप पे है। तो उसको पूरा लेफ्ट किया, फिर टॉप को दिया, मतलब वन गियर पे मैंने रख दिया। तब तक देखिए दोस्तों, क्लच को हम दबा के रखें। आपको कुछ तो थ्योरी पता होगा कि जब आप कार चला रहे हैं तो आप बाइक जरूर चलाए होंगे, नहीं तो देखे होंगे, नहीं तो सीखे होंगे कि क्लच को हमको धीरे धीरे छोड़ना है, पहले स्टार्ट करना है, फिर क्लच दबाना है, फिर गियर में डालना है गाड़ी को, फिर क्लच को हल्का छोड़ना है, एक्सलेटर को मतलब एक्सलेटर देना है, तब गाड़ी आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, इसमें भी वही थ्योरी है और उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप कार सीख रहे हैं, अगर लर्निंग स्टेज में हैं आप, तो और एक चीज ध्यान में रखिए कि जब आप कार को न्यूट्रल में डाल के
न्यूट्रल में, सॉरी न्यूट्रल में बता रहे हैं आपको, गियर वन पे डाल के क्लच को हल्का छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि गाड़ी अपने आप चलने लगती है। वो बिल्कुल मतलब सपाट मैदान में हो, हल्का डाउन में हो, या हल्का मतलब अप में भी वो अपने आप थोड़ा मतलब आगे तक जाती है, हल्का स्पीड में, 0 से 5 तक स्पीड में वो आगे बढ़ती है। तो आपको फर्स्ट टाइम उसको एक्सलेटर नहीं दबाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ही गलती कर देते हैं कि क्लच को छोड़ते हैं, एक्सलेटर को मारते हैं, मतलब एक्सलेटर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका पांव में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से गाड़ी बंद हो जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वो नहीं करना है। अगर मेरा सजेशन आप मानेंगे तो आप एक्सलेटर से पांव हटा लीजिए पूरा, अगर फर्स्ट टाइम मतलब ड्राइवर हैं तो, और क्लच को पूरा दबा के रखिए। फिर आपको हैंड ब्रेक को नीचे कर लीजिए। अगर होगा, अगर आप थोड़ा सा डाउन में है, गाड़ी आपका आगे घिसट रहा है, तो आप ब्रेक भी दे सकते हैं, हैंड ब्रेक जब आप डाउन करेंगे तो। अगर नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। अभी देखिए मैं क्लच को छोड़ूंगा हल्का और गाड़ी मेरा जो है आगे बढ़ने लगेगा। देखिए एक्सीलेटर पे मेरा पांव है नहीं, आगे मैं दिखाता हूँ क्या है मेरा। ये देखिए लेफ्ट साइड में एक छोटा सा पेड़ है, कितना डिस्टेंस में आपको पता चल रहा है होगा, तो देखिए बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं छोड़ना शुरू किया हल्का, हल्का से छोड़ना शुरू किया, देखिए मेरा गाड़ी आगे जा रहा है। ओके दोस्तों, तो मैं फिर ब्रेक देके उसको गाड़ी को नीचे बंद कर दिया। तो दोस्तों यही था उसका एक तरीका, जो जब भी आप गाड़ी को फर्स्ट टाइम चला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप उसको क्या कहे कि मतलब एक्सलेटर पे पाँव नहीं रखना है। अगर आप एक्सलेटर पे पाँव रखते हैं तो गाड़ी थोड़ा ज्यादा भी, जब तक आपका कोऑर्डिनेशन नहीं मिल रहा है दोनों पाँव का, तब तक आप एक्सलेटर पे पाँव मतलब मत रखिए। जब पूरा क्लच आप छोड़ रहे हैं, मतलब पूरा फ्री हो रहा है, तभी आप एक्सलेटर पे पाँव रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, अभी देखिए मैं गाड़ी को पूरा छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया, अभी एक्सलेटर पे मैं पाँव रख सकता हूँ। तो दोस्तों ये यही तरीका मैं आपको बताया। तो अगर इसको मानेंगे आप कि बिल्कुल आप एक्सलेटर पे पाँव मत रखिए, सिर्फ क्लच पे ही आप पाँव अपना रखिए, उसको नीचे रखिए डायनाफाम को, और गियर पे डाल के एक्सलेटर का अगर छोड़ेंगे धीरे 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 अगर छोड़ेंगे, तो गाड़ी अपने आप थोड़ा बढ़ने लगेगा। जब गाड़ी आगे बढ़ जाए तब आप अपना मतलब एक्सलेटर से पाँव हटा के, अब सॉरी क्लच से पाँव हटा के एक्सलेटर पे पाँव रख सकते हैं। ऐसा करके आप गाड़ी को थोड़ा आगे तक बढ़ा लेंगे। तो ये फर्स्ट चीज ये होता है कि आप मतलब गाड़ी को आगे बढ़ाना ही नहीं आता है। जब भी जो लोग ड्राइविंग सीखते हैं तो उनको तो गाड़ी कंट्रोल, एक बार गाड़ी अगर आगे बढ़ गया तो आपको गाड़ी कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप उसको कंट्रोल कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट चीज प्रॉब्लम यही होता है कि आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर क्लच को आप सही से नहीं छोड़ेंगे, एक्सलेटर को सही से नहीं दबाएंगे, तो उसमें ही कोऑर्डिनेशन में ही गड़बड़ी हो जाता है, बार बार स्टार्ट आपका बंद हो जाता है। तो दोस्तों यही तरीका आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताइए कि आपका ये तरीका काम किया कि नहीं किया। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इसी तरीके से अगर काम करेंगे, अगर आप अपने तरीके से, अगर कोई दूसरा तरीके से अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो अगर 5 दिन में सीख रहे हैं, तो इसी तरीके में अगर 2 दिन में नहीं सीखेंगे तो मुझे बताइए। तो ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसमें आप बहुत जल्दी गाड़ी सीख जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था, गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाते हैं उसके बारे में था ये। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करना मत भूलिए, और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये वीडियो कैसा है, और होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आप में मैं आपको बहुत सारे और भी चीज बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।